हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। टाइम टू टाइम मैंने आपके साथ अलग अलग वैक्यूम क्लीनर्स के रिव्यू एंड डिटेल्स शेयर की है। अब कौन सा चूज़ करना है, ये डिपेंड करता है वैक्यूम क्लीनर के फीचर्स पर, डिज़ाइन पर एंड डेफिनेटली बजट पर। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ और एक वैक्यूम क्लीनर की डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ। ये है अगारो आइकॉन बैगलेस वैक्यूम क्लीनर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगारो आइकॉन बैगलेस वैक्यूम क्लीनर आता है 1600 वॉट्स की पावरफुल मोटर और 24 kPa की सक्शन प्रेशर के साथ। साथ ही इसमें है साइक्लोनिक सक्शन सिस्टम। ये है वैक्यूम क्लीनर विद ऑल दी एक्सेसरीज। सबसे पहले देखते हैं मेन यूनिट जो आता है इजी टू कैरी हैंडल के साथ। ये है पावर बटन। मेन स्विच ऑन करने के बाद आप इस बटन को यूज करके इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये है सक्शन सेटिंग या फिर वेरिएबल सक्शन सेटिंग्स को सिलेक्ट करने के लिए नॉब। तो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच की रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने यूज के हिसाब से। वैक्यूम क्लीनर के पीछे की तरफ दी गई है पावर केबल। ये 5 मीटर लंबी पावर केबल है। इसे आप खींच कर बाहर निकाल सकते हैं। खींचते समय आपको बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है, तो अपने यूज के हिसाब से आप इसे निकालें। लाल निशान दिख जाने पर पावर केबल को और ना खींचे। यूज के बाद आप पावर केबल को वापस से वैक्यूम क्लीनर में रिट्रैक्ट कर सकते हैं इस कॉर्ड वाइंडर बटन या फिर रिट्रैक्ट बटन से। बटन को प्रेस करें और एक साइड से हल्के हाथ से आप पावर केबल को पकड़ के रखें ताकि ये आसानी से अंदर चली जाए। वैक्यूम क्लीनर कॉम्पैक्ट है, पर साथ ही में बड़े व्हील्स के साथ आता है। साइड पर बड़े व्हील्स है और नीचे की तरफ 360 डिग्री स्विवेल व्हील्स है। इन दोनों व्हील्स के कॉम्बिनेशन से इस वैक्यूम क्लीनर को मूव करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो आप इसकी डायरेक्शंस बदल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब देख लेते हैं फिल्टर्स। पीछे की तरफ इसमें एक हेपा फिल्टर दिया गया है। हेपा फिल्टर छोटे डस्ट पार्टिकल्स, पोलन्स, इन सबको ट्रैप करता है ताकि मोटर में ये ना पहुंचे। साथ ही डस्ट को मशीन में रीसर्कुलेट होने से ये फिल्टर रोकता है। इस वैक्यूम क्लीनर में 2 हेपा फिल्टर्स हैं। तो ये था पहला। अब देख लेते हैं इसकी 1.5 लीटर्स की बैगलेस बिन। तो बैगलेस बिन है, इसे एम्प्टी यानी खाली करना बहुत आसान है। बटन के प्रेस से आप इसे डायरेक्टली डस्टबिन के ऊपर खाली कर सकते हैं यूज के बाद। इस बिन में पीछे की तरफ दिया गया है एक और हेपा फिल्टर। इस हेपा फिल्टर को रिमूव करना और लगाना बहुत ही आसान है। सफाई के लिए आप इसे निकाल सकते हैं, पर हेपा फिल्टर्स को कभी भी पानी से ना धोएं। इसकी सफाई कैसे करनी है आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। इसे वापस से प्लेस करना भी आसान है। अब ये वो हिस्सा है जहाँ पर सारी डस्ट कलेक्ट होती है, और इसे अगर आपको डिसमेंटल करना है, निकालना है, तो बस ट्विस्ट करके निकालें और बाकी इसमें कोई छोटे छोटे पार्ट्स नहीं है। बहुत ही आसानी से एक ही हाथ से आप इसे वैक्यूम क्लीनर में लगा सकते हैं। ये है 360 डिग्री स्विवेल होज। इस होज पर आप बाकी की अटैचमेंट्स और एक्सटेंडर को भी लगा सकते हैं। ऊपर एक छोटा सा बटन दिया गया है जिसे आप ओपन करके प्रेशर को हल्का सा कम कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। सामने के हिस्से से आप होज को फिट कर सकते हैं वैक्यूम क्लीनर की मेन बॉडी पर। इसके ऊपर आपको लॉक एंड अनलॉक की मार्किंग्स भी दिख जाएगी। कॉर्ड में स्विवेल फीचर होने की वजह से इसे यूज करना बहुत आसान है। नेक्स्ट है ये फ्लोर ब्रश। इसके ऊपर आपको एक बटन दिख रहा होगा, तो इस बटन का फंक्शन ये है कि इस फ्लोर ब्रश के सामने जो आपको ब्रश वाला हिस्सा दिख रहा है, उसे आप अंदर या फिर बाहर करने के लिए इस बटन का यूज कर सकते हैं। हाथ से प्रेस करने की जरूरत नहीं है, यूज करते समय पैरों से ही कर सकते हैं। साथ ही इस फ्लोर ब्रश के नीचे की तरफ 2 व्हील्स दिए गए हैं, जिससे ये फ्लोर पर बहुत आसानी से ग्लाइड होता है। ये है क्रेविस नॉजल। जहाँ पर आपको छोटी छोटी स्पेसेस दिख रही है, जहाँ बड़ी अटैचमेंट्स नहीं जा सकती है, वहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं। तो बहुत इजीली आप इसे होज पर फिक्स कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ये मल्टीपर्पज ब्रश, जिसका यूज आप हार्ड या फिर सॉफ्ट सर्फेसेस पर कर सकते हैं। अटैचमेंट्स को यूज करने के लिए बहुत ही आसानी से आप इन्हें होज पर लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। होज को आपको फर्दर एक्सटेंड अगर करना हो, तो आपको मिलेगी इसके साथ एक एक्सटेंशन ट्यूब जो कि मेटल की बनी हुई है। इसे आप और एक्सटेंड कर सकते हैं, रिट्रैक्ट कर सकते हैं, और फुल लेंथ अगर आपको नहीं चाहिए तो आप बीच में भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सटेंशन ट्यूब को आप होज पर फिक्स करें और बाकी की अटैचमेंट्स को एक्सटेंशन ट्यूब पर लगाएं। इस तरह से बहुत ही आसान है इसे इंस्टॉल करना और निकालना। साथ ही आपको मिलेगी यूजर मैनुअल, जिसमें आपको इस वैक्यूम क्लीनर के सारे पार्ट्स की जानकारी मिल जाएगी। फ्लोर ब्रश को आप फ्लोर की ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब इसे आप गीले सरफेस पर यूज ना करें। साइक्लोनिक सक्शन की वजह से ये बहुत ही आसानी से फ्लोर को क्लीन कर देता है। विजुअली जो आपको कचरा नजर नहीं आएगा, जो धूल नजर नहीं आएगी, वो भी ये कैप्चर कर लेता है बहुत ही अच्छे से।
इस फ्लोर अटैचमेंट के सामने की तरफ जो ब्रश वाला हिस्सा दिया गया है उसे आप हार्ड सरफेसेस पर यूज कर सकते हैं। स्विच करने के लिए आप पैरों से ही बटन को दबा सकते हैं, हाथ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाई सक्शन पावर होने की वजह से ये बहुत ही आसानी से कार्पेट्स में से धूल मिट्टी निकाल लेता है। घर की डीप क्लीनिंग के लिए ये वैक्यूम क्लीनर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसे कारपेट पर, नॉर्मल फ्लोर पर, अपनी बालकनी में भी यूज कर सकते हैं। फ्लोर अटैचमेंट का हेड भी स्विवेल के साथ है और साथ ही में है स्विवेल कॉर्ड, जिस वजह से इस वैक्यूम क्लीनर को फ्लोर पर घुमाना, मोड़ना, किनारों पर ले जाना आसान हो जाता है। एक्सटेंशन ट्यूब होने की वजह से बिना किसी सीढ़ी या फिर चेयर पर चढ़े आप एक्सटेंशन ट्यूब को फुल एक्सटेंड करके दीवारों तक, सीलिंग तक पहुंच सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। साथ ही में जो छोटी छोटी स्पेसेस है, कॉर्नर्स है, वहां पर आप क्रेविस टूल यूज कर सकते हैं डस्ट को निकालने के लिए। कॉम्प्लिकेटेड जो शो पीसेस होते हैं, बड़े बड़े शो पीसेस, मिरर्स आजकल घरों में काफी कॉमन हो गए हैं और इनकी सफाई के लिए भी इस वैक्यूम क्लीनर के मल्टीपर्पज ब्रश या फिर क्रेविस टूल को यूज किया जा सकता है। मल्टीपर्पज ब्रश यूज करके बहुत ही आसानी से सोफे की डीप क्लीनिंग की जा सकती है। ये काफी अच्छे से हाई सक्शन पावर की वजह से सोफे में से सारी डस्ट निकाल लेता है। कॉर्नर्स एंड छोटी स्पेसेस के लिए आप क्रेविस वाली अटैचमेंट यूज कर सकते हैं। वैक्यूम क्लीनिंग करते समय अगर आपको सक्शन को थोड़ा सा ईज आउट करना है, थोड़ा कम करना है, तो होस पर दिए गए इस बटन को भी आप ओपन कर सकते हैं या फिर आप नॉब यूज करके सक्शन लेवल कम कर सकते हैं। कर्टन्स की क्लीनिंग के लिए भी काफी हैंडी है, बिकॉज कर्टन्स हर बार वॉश करने की जरूरत नहीं होती है। वंस इन अ वाइल आप इन्हें वैक्यूम क्लीन भी कर सकते हैं ताकि इन पर बैठी हुई डस्ट निकल जाए। कर्टन्स को क्लीन करने के लिए आप मल्टीपर्पज ब्रश का यूज कर सकते हैं। ये काफी लाइट वेट है एंड ईजी टू ऑपरेट है। साथ ही में अगर आपके बेड के पीछे बेड बैक है या फिर मैट्रेस के कॉर्नर पर धूल जम जाती है, उसे आप क्रेविस टूल से क्लीन कर सकते हैं। ऑफिस चेयर्स भी यूज के साथ बहुत गंदी हो जाती है और स्पेशली इस तरह की फैब्रिक वाली चेयर, इसमें छोटी छोटी स्पेसेस होती है जहां धूल एकदम अच्छे से बैठ जाती है, तो इनकी वैक्यूम क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है और ये वैक्यूम क्लीनर काफी अच्छे से क्लीन कर देता है। सीट एंड बैकरेस्ट, जिस तरह की आपकी चेयर की डिजाइन हो उस हिसाब से आप इसका मल्टीपर्पज ब्रश या फिर क्रेविस अटैचमेंट यूज करके क्लीन कर सकते हैं। विंडोज और डोर्स के चैनल को क्लीन करने के लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि इसकी पावर बहुत ज्यादा है। सक्शन पावर अच्छी होने की वजह से चैनल्स को ये बहुत ही ज्यादा आसानी से क्लीन कर लेता है। अगर आपके विंडो के चैनल्स में पानी भी गिरता है तो पूरी तरह से कचरा सूखने दें, किसी ब्रश से आप उसे लूज कर दें और उसके बाद वैक्यूम क्लीनर यूज करें, बहुत ही आसानी से पूरा कचरा निकल जाएगा। यूज के बाद आप वैक्यूम क्लीनर का बिन निकालें और इसे अपने कचरे के डब्बे के ऊपर खाली कर दें। बिन को थोड़ा सा झटका के आप जो भी अंदर उसके धूल और कचरा है वो डस्टबिन में डाल सकते हैं। अब हर बार बिन एम्प्टी करने के बाद आपको वैक्यूम क्लीनर की डीप क्लीनिंग की जरूरत नहीं है, पर अगर आप करना चाहें तो सारे पार्ट्स बाहर इस तरह से निकाल लें। हेपा फिल्टर को आप सूखा ही पोंछें, उसे पानी में ना डालें और ये अटैचमेंट्स निकालने के बाद जो बिन है इसे आप धो सकते हैं। हेपा फिल्टर का स्पंज और हेपा फिल्टर आप किसी सूखे कपड़े से पोंछ सकते हैं, इन्हें पानी से बिल्कुल ना धोए। सूखा कपड़ा या फिर आप एक इस तरह का ब्रश यूज कर सकते हैं। इस तरह के ब्रशेस बहुत आसानी से हार्डवेयर स्टोर में मिल जाते हैं और आपका हेपा फिल्टर एकदम अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा। बिन और इसके अंदर की अटैचमेंट्स को आप धोकर पूरी तरह से सुखाएं, उसके बाद ही असेंबल करें। हेपा फिल्टर को भी आप वापस से उसकी जगह पर लगा दें। बिन को वापस से वैक्यूम क्लीनर में प्लेस कर दें। जो पीछे की तरफ हेपा फिल्टर दिया गया है ये रिलेटिवली कम गंदा होगा, पर इसकी सफाई के लिए भी आप कोई कपड़ा या फिर ब्रश ही यूज करें, पानी ना यूज करें। ओवरऑल बाहर से आप वैक्यूम क्लीनर को किसी भी अच्छे कपड़े से पोंछ सकते हैं। बाकी की अटैचमेंट्स भी आप सूखे कपड़े से या ब्रश से पोंछ सकते हैं। इनमें कोई सर्किट नहीं है तो वंस इन अ वाइल डीप क्लीनिंग के लिए आप इन्हें धो सकते हैं। पूरी तरह से सूखने के बाद ही इन्हें दोबारा यूज करें। आई होप इस वैक्यूम क्लीनर की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल गई हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर पूछ सकते हैं। अगारो आइकन बैगलेस वैक्यूम क्लीनर की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मचमोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।